हेलो एवरीवन, आई एम शेफ फरम और आप देख रहे हैं फूड तक। आज हम बनाने जा रहे हैं मेक्सिकन कसीदिया। जनरली इसको इंग्लिश में कसीदिला लिखा जाता है, इसलिए काफ़ी लोग इसको कसीदिला बोलते हैं, लेकिन मेक्सिको में अगर आप जाएंगे कसीदिला मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, इसको बोलना पड़ेगा आपको कसीदिया। आइए इसकी शुरुआत करी जाए। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, उसके बाद 1 टेबल स्पून गार्लिक। जैसे कि इंडियन क्यूजीन में किया जाता है, इस गार्लिक को हम कच्चा नहीं छोड़ेंगे, इसको ब्राउन करेंगे प्रॉपर, ताकि इसका पैन में बढ़िया सा फ्लेवर आया जाए। गार्लिक के बाद हम डालेंगे अनियन। अनियन को हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए और हल्का सा गीलापन मॉइस्चर आ जाए। जैसे कि लगेगा कि ट्रांसलूसेंट हो गया हमारा अनियन, हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ब्रोकली। ये ब्रोकली एक्चुअली इतनी हरी हरी आपको इसलिए लग रही है क्योंकि ये बॉइल्ड हो चुकी है। यूजुअली ब्रोकली थोड़ा सा हार्ड वेजिटेबल है, तो इसको हमने पहले से ही बॉइल कर दिया है ताकि आपको कुकिंग के अंदर ज़्यादा टाइम ना लगे और इसका फ्लेवर लूज़ ना हो। ब्रोकली को आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रोकली ऑलरेडी हम बॉइल्ड डाल रहे हैं, तो जैसे ही ये लगता है कि आपको सौते हो गई है, इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मशरूम और फिर से इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे, मैक्सिकन लोग कॉर्न के बहुत शौकीन होते हैं, काफ़ी डिशेस में कॉर्न देखा जाता है, तो हम इसमें कॉर्न भी ऐड करेंगे। ये कॉर्न आपको फ्रेश भुट्टे से भी आप छिलके डाल सकते हैं और जो कैन में मार्केट में अवेलेबल है उससे भी डाल सकते हैं। अगर ये डिश बच्चों के लिए बन रही है तो इसके अंदर आपको कॉर्न की जो रेशो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्न के अंदर मिठास होती है और जनरली मेक्सिकन डिशेस स्पाइसी होती हैं, तो कॉर्न इस स्पाइसीनेस को थोड़ा सा काटती हैं, तो इसको इसकी रेशो आप थोड़ी सी बढ़ाइए डिश के अंदर। जैसे ही कि आपको लगेगा पानी सूख गया और वेजिटेबल सारी पक चुकी हैं, अब इसमें सॉसेस डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये है थोड़ा सा चॉप टमाटो, लगभग 2 टेबल स्पून, 2 से 3 भी डाल सकते हैं अगर खट्टास ज़्यादा पसंद है तो। ब्रांड से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस डिश के लिए, तो थोड़ी सी चिली सॉस, लगभग 3 से 4 टेबल स्पून। चुटकी भर चिली फ्लेक, नमक 1/2 टेबल स्पून। ये सीजनिंग मिलती है हर मार्केट के अंदर, जिसको कि फहीता सीजनिंग कहा जाता है, ये एकदम इसको ओरिजिनल फ्लेवर इसके अंदर ऐड कर देगी। इसमें जो हमने फहीता सीजनिंग डाली है उसके अंदर मिक्स है, मिक्स ऑफ चिली, मिक्स ऑफ सॉल्ट, मिक्स ऑफ पेपर, मिक्स ऑफ हर्ब्स, तो ये सीजनिंग रेडीली अवेलेबल है मार्केट में, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा शेल से उठाइए और इस डिश के अंदर डालिए। 1 टेबल स्पून जालापेनो, और जब डिश को फिनिश कर रहे हो तो इसके अंदर धनिया डालेंगे, और एक ये स्पेशल टबेस्को सॉस आती है जिसका एक अपना ही अलग फ्लेवर है, इसको लगभग 10 से 12 ड्रॉप्स। जैसे ही लगता है आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से पक चुका है और मिक्स हो चुका है, इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून येलो चीज़, इसको येलो शेडार भी बोला जाता है, मैच्योर शेडार भी बोला जाता है। शेडार चीज़ बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि हर सुपरमार्केट में अवेलेबल है। शेडार चीज़ भी 2 तरह के वैरायटी के अंदर आता है, एक तो नॉर्मल शेडार चीज़ होता है वाइट, एक होता है येलो। हमने इसको येलो यूज़ की है क्योंकि एक ट्रेडिशनल रेसिपी के अंदर येलो चीज़ यूज़ होता है और आपको एक ये बहुत ही ऑथेंटिक फ्लेवर देगा, तो प्लीज़ इससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, इसी को यूज़ करें। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, इसको थोड़ा सा मिक्स करिए, और इसकी फिनिशिंग धनिया पत्ते से कर। जैसे ही धनिया डाला हमने और इसको मिक्स कर दिया,
अब आइए इसकी स्टफिंग करी जाए टॉर्टिला ब्रेड के अंदर। देखने में ये ब्रेड बहुत ही नॉर्मल सी लगती है, नाम इसका टॉर्टिला है, देखोगे तो चपाती, लेकिन ये टॉर्टिला ब्रेड बहुत ही साधारण से सुपरमार्केट के अंदर आपको हर जगह शेल्स के ऊपर मिलेगी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ऑथेंटिक है। मतलब इसको अगर आप चपाती में ट्राई करेंगे और टॉर्टिला ब्रेड में ट्राई करेंगे तो दोनों में आपका रंग और स्वाद दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि स्टफिंग रेडी हुई हमारी, इसको हम टॉर्टिला ब्रेड की एक ही कॉर्नर में डालेंगे, पूरी ब्रेड पे इसको फैलाना नहीं है ताकि इसको जब हम रैप करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर पूरा फैला देंगे तो सब्ज़ी बाहर गिरने शुरू हो जाएगी। कोशिश करिएगा कि इसको पूरा कॉर्नर से भी करा जाए, एंड टू एंड सब्ज़ी भरी जाए ताकि जो पहला बाइट ले उसके मुंह में फीकापन ना आए, हर एक स्वाद में, हर एक बाइट के अंदर सब्ज़ी का स्वाद है। और जैसे ही स्टफिंग हो गई इसको हम फोल्ड करेंगे। जैसे ही स्टफिंग हो चुकी है हमारी, इसको हम पिज़्ज़ा की शेप में काटेंगे। पिज़्ज़ा की शेप में काटने से ये कुछ ट्राइंगल्स निकलेंगे। इससे क्या है कि हर एज के लोग पसंद करते हैं, अगर पिज़्ज़ा खा खा के आप बोर हो चुके हैं तो इसको एक डिफरेंट अवतार में मज़ा लीजिए। इसको एक पार्टी स्नैक की तरह भी सर्व कर सकते हैं और इसको एक मेन डिश की तरह भी सर्व कर सकते हैं, यही इस डिश का एक अलग मज़ा है। और इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसको एक सार क्रीम के साथ सर्व किया है। सार क्रीम मतलब हल्की सी दही के अंदर खट्टास और टमाटो साल्सा। ऐसी इंटरेस्टिंग डिशेस के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।